एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारे यंग जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, उनको बड़ी परेशानी आती है कि हम किस बेसिस पे अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को और अपने साथी को चूज़ करें। बहुत बार अक्सर लगता है, क्या ये लड़का मेरे लिए सही है, क्या ये लड़की मेरे लिए सही है, और ये बड़ा डाउट रहता है। और इसी जुस्तजू में, इसी कन्फ्यूजन के अंदर लोग गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, सही समय पे रिलेशनशिप से बाहर नहीं आते, या फिर इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ जाते हैं और अपने करियर को एक तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं। देयर इज़ अ टेस्ट, मैंने भी कहीं इंटरनेट पे ही सुना पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई थॉट दैट आई विल शेयर इट विद यू। देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस दैट यू मे आस्क योर सेल्फ। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए ताकि आपको ये पता चल सके क्या आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या वो रिलेशनशिप, क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है। जैसे नंबर 1, अगर आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि आपको कुछ और बनना पड़ रहा है, या फिर आप जैसे हैं वैसे उसके सामने रह सकते हैं? यानी कि क्या आप कुछ और एक्ट तो नहीं करते उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप जैसे हैं वैसे उसके सामने दिखाएंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा, या फिर वो आपको पसंद नहीं करेगा या करेगी। तो अगर ऐसा है, यू हैव टू रीथिंक। दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट, अगर आपको कोई बोले लाइफ में कि आप बिल्कुल अपने पार्टनर के जैसे हैं, तो डू यू थिंक इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट और इज़ इट अ काइंड ऑफ अब्यूज़ टू यू? क्या आपको लगता है कि अगर लोग कह रहे हैं आप आपके पार्टनर के जैसे हैं बिल्कुल नेचर में या किसी भी और फैक्टर के अंदर, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं? यानी कि देन यू लाइक दैट पर्सन, यू एडमायर दैट पर्सन, यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप। लव इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मच मोर देन दैट, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क योर सेल्फ। थर्ड, जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं, तब आप बात करते समय क्या अपने पास्ट को छुपाते हैं या अपने फ्यूचर ड्रीम्स को उससे छुपाते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है आपको कि कहीं वो आपके पास्ट का मजाक ना उड़ा दे, या आपकी कुछ गलतियां हैं, क्या वो उन्हें माफ़ कर सकता है या कर सकती है? अगर वो नहीं कर सकते और आपको हमेशा हमेशा वो बातें आपको छुपानी पड़ेंगी, देन यू मस्ट रीथिंक, बिकॉज ट्रुथ इज़ ट्रुथ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सामने आएगा। और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति तब बदल जाएगा, तब उसकी सिचुएशंस आपके साथ जो हैं, उसका जो बिहेवियर आपके साथ है, वो बदल जाएगा, देन यू मस्ट रीथिंक। फोर्थ टेस्ट, अगर वो व्यक्ति आपके ऑफ कोर्स अभी आप यंग हैं, आपके लिए थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके बच्चे जो होंगे फ्यूचर के अंदर, और अगर वो बच्चे वैसे ही व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ जाएं, यानी कि इफ दे ऑल्सो फॉल इन लव विद द काइंड ऑफ पर्सन यू आर इन लव विद टुडे, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा भी वैसे ही व्यक्ति के साथ, वैसी ही लड़की या लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहे, हाउ वुड यू फील एज अ पेरेंट? आपको एक माता पिता के रूप में कैसा लगेगा? विल यू बी हैप्पी? इफ यू फील यू नो हैप्पी एंड सिक्योर अबाउट योर चाइल्ड, देन दिस मीन्स दिस रिलेशनशिप इज राइट फॉर यू। दीज आर फोर हमारे टेस्ट हो चुके। एक लास्ट टेस्ट जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या जो बेसिक विजन्स ऑफ लाइफ हैं, बेसिक विजन ऑफ लाइफ मीन्स अपने रिलेशनशिप्स को, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, सामने वाला व्यक्ति उनको कितना वैल्यू करता है? जैसे सपोजिटली आप अपने पेरेंट्स को बहुत वैल्यू करते हैं, क्या सामने वाला भी उस बात को रिस्पेक्ट करता है? या फिर आप करियर को बहुत वैल्यू करते हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति जो आपका फ्रेंड, लड़का या लड़की जो भी है, क्या वो भी आपके करियर को, ऑफकोर्स अपने करियर को भी, लेकिन क्या आपके करियर को भी उतना रिस्पेक्ट और वैल्यू करता है? सो द मेजर वैल्यू थिंग्स ऑफ योर लाइफ, आप अगर एम्पथी, लव, रोमांटिसिज्म, मनी, देर कैन बी ए नंबर ऑफ थिंग्स विच यू वैल्यू। सो सारी चीज़ें सेम ना भी हों, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स वहाँ पे नज़र मिले ना मिले, नज़रिया ज़रूर मिलना चाहिए।
दिस इज़ वट आई थिंक. सो अगर वहाँ पर आपको लगता है कि देर इज़ अ काइंड ऑफ अ कन्वर्जेंस, देन दैट रिलेशनशिप इज़ फॉर यू. और अब ऐसा नहीं है कि अगर इन पांचों रूल्स में से किसी एक के अंदर नहीं मैचिंग आ रही तो आपको अरे ये तो रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं है. लेकिन दीज आर सम जनरल रूल्स. रिलेशनशिप तो देखो, हम पेरेंट्स या कोई भी कितना भी कुछ कहे, जो करना है वो तो आप करोगे ही, है ना. दिस इज़ ह्यूमन नेचर. बट इट इज़ जस्ट दैट वी कैन ट्राई टू गेट इन टू द राइट रिलेशनशिप्स, राइट पीपल. क्योंकि लाइफ बहुत लंबी होती है. आज जिन एस्पेक्ट्स को लेकर या जिन अच्छी या बुरी चीज़ों को लेकर हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, कई बार हमें वो नेगेटिव बातें पता नहीं चलती, दिखती नहीं, और कई बार हम खुद इग्नोर कर देते हैं. क्योंकि हमें लगता है कि अरे हमने मूवीज़ में भी देखा है ना कि बदल जाते हैं लोग. लेकिन ट्रुथ ऑफ फैक्ट इज़ नोबडी चेंजेस. यू विल नॉट चेंज एंड दे विल नॉट चेंज. Nobody changes. So we have to be very sure कि जब हम किसी relationship में जा रहे हैं, यही जो package आपको मिल रहा है ना अभी, यही package रहेगा अच्छे और बुरे दोनों के aspect के साथ. क्या आपको वो package as it is acceptable है? If it is acceptable to you, then fine. Then it is good. क्योंकि अगले if you are young, then you have to consider it like अगले 40-50 साल. I am old school. तो 40-50 साल आपको उस व्यक्ति के साथ रहना होगा, होली मनानी होगी, दिवाली मनानी होगी, एक दूसरे के साथ difficult and happy moments शेयर करने पड़ेंगे. बहुत सारी चीज़ें आपको उस व्यक्ति के साथ शेयर करनी है. And if you are comfortable कि जो ये पैकेज मुझे मिल रहा है जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं मेरे पार्टनर में, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं मेरे पार्टनर में, और आई एम ओके विद द नेगेटिव, आई एक्सेप्ट देम एंड आई डू नॉट गेट एंग्री एवरी टाइम. हर वक्त नैगिंग नहीं करूँगी या करूँगा मैं, या मैं हर वक्त उस बात पे टोंट नहीं करूँगा, या मैं हर वक्त उस बात को प्रायोरिटाइज बार बार बातों में नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें ये नेगेटिव एक्टिविटी है, ये नेगेटिव फैक्टर है, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ. एंड इफ़ यू कैन डू दैट, देन प्रोसीड इन अ रिलेशनशिप. बिकॉज सो मैनी पीपल आर टूडे सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेसेस, मेंटल इशूज, जस्ट बिकॉज दे एंटर्ड रॉन्ग रिलेशनशिप. एक गलत फैसला. एक पुरानी एक किसी शायर ने कहा है कि लम्हों ने खताएं की थी, सदियों ने सजा पाई. तो वी हैव टू रिमेंबर कि जो हमारे लम्हे हैं ना, वो बहुत हम सोच समझ कर बिताएं, क्योंकि जो लम्हे खताएं करते हैं, सदियां सजा पाती हैं. अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं जिसमें आपको नहीं करना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको बारे में आपको गट फीलिंग आ रही थी, आपको लग रहा था शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पाए, तो बाद में रिग्रेट करने से बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं. टॉक्सिक रिलेशनशिप, नाउ द न्यू टर्म इज़ देयर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. सो देन पीपल एंटर इनटू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. अब फिर उन्हें लगता है बाहर कैसे आए. एंड वी ऑल नो दैट ब्रेकिंग अप और ब्रेकिंग और सेपरेटिंग और गोइंग अपार्ट, दे आर वेरी पेनफुल एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव, केओटिक प्रोसेसेस. आसान नहीं होता किसी के लिए भी आसान नहीं होता. आपके लिए भी नहीं रहेगा वो आसान. हम चाहे कितने रैशनल हो जाएं, वी मस्ट रिमेंबर अल्टीमेटली वी आर इमोशनल बींग्स. रैशनैलिटी से आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उस रैशनैलिटी को फॉलो करने के लिए भी आपको इमोशंस की ज़रूरत पड़ेगी. सो इफ़ यू हैव गॉन इन टू सम रॉन्ग रिलेशनशिप्स, देन बी रेडी फॉर द इमोशनल बर्डन इट विल ब्रिंग टू यू. इमोशनल बर्डन भी आएगा, इमोशनल पेन भी आएगा. तो इसीलिए आई ऑलवेज टेल माय फ्रेंड्स द यंगस्टर्स, डोंट बी हेस्टी इन एंटरिंग एनीथिंग. आई आस्क द राइट क्वेश्चंस कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए. थिंक अबाउट इट एंड व्हेन यू डू इट, देन यू डू इट विद योर फुल हार्ट एंड माइंड, देन देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. डाउटफुल थिंग्स आर नेवर गुड. है ना, दो दो नावों की सवारी अच्छी नहीं होती. इसी तरीके से
आप कहीं पे भी देखिए, जो भी कन्फ्यूजन वाले मैटर्स होंगे ना, वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं होते, उनमें खुशी भी नहीं मिलती. तो कन्फ्यूजन वाले मैटर्स नहीं होने चाहिए. एंड स्पेसिफिकली सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ लाइक करियर, योर लव, योर रिलेशनशिप्स, योर फैमिली, वहाँ पे तो कन्फ्यूजन नहीं ही रखना चाहिए हमें जहाँ तक हो सके. हर वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, पॉसिबल नहीं है कि हम हर वक्त क्लैरिटी के साथ काम कर पाएँ, लेकिन जहाँ तक हो सके वी शुड ट्राई. सो इफ़ यू हैव समवन हु इज़ एंट्रिंग इनटू अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर एंट्रिंग इनटू अ रिलेशनशिप, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, टॉक टू देम, हैव देम कंसिडर दीज क्वेश्चंस, सो दैट वी कैन हैव लेस ट्रामा, लेस पेन, एंड वी कैन हैव मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स. थैंक यू.